गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर का टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अपन कर चुके थे कि जो आरएनएस के अकॉर्डिंग एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स होते हैं, और जो ओएच नेगेटिव रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो हमारे पास बेस होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास कि एसिड्स जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। फर्स्ट हमारे पास होता है टेस्ट। टेस्ट की अगर अपन बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है। सेकंड जो बात आती है कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब एसिड क्या करते हैं, कोरोजन क्रिएट करते हैं, कोरोसिव, कि जिस भी सरफेस के ऊपर एसिड जो गिरेगा उस सरफेस को डिग्रेड कर देगा। किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, तो जब कई बार वो ओवर चार्जिंग होती है तो ओवर चार्जिंग की वजह से वहां से कुछ एसिड जो है वो आसपास के एरिया में गिर जाता है। तो जब वो आसपास के एरिया में गिरता है तो उस एरिया को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है, मींस वहां पे वो डिग्रेड करने लग जाता है, उस सरफेस को धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस जिनको वॉटर के अंदर डालें और वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में जैसे HCl अपन बात करें एसिड होता है, एक एक्वस के अंदर लेंगे H पॉजिटिव आयन में टूटेगा और Cl नेगेटिव आयन के अंदर टूटेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कौन, एसिड्स करेंगे। किस तरीके से करेंगे इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूं, आप देखें इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें अपन ने क्या लिया, एक बीकर लिया, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया एक एसिड का, जैसे सपोज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 अपन ने ले लिया। तो इसमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, SO4 2 नेगेटिव आयन मिलेंगे। इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इन इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से और बीच में अपन एक स्विच लगा देंगे और दूसरी इलेक्ट्रोड जो है उसको अपन कनेक्ट कर देंगे एक बल्ब से, ये हमारा बल्ब है। तो जैसे यहां पे स्विच ऑन होगा, जैसे स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। क्यों करेगा ग्लो, क्योंकि अपन ने इसमें लिया है इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपना H2SO4 है, एक एसिड है जिसने आयंस रिलीज किए और ये आयंस क्या करेंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड पर करंट को ले जाने का काम करेंगे, या अपन कहें कि आयंस को ले जाएंगे। और आयंस यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं एसिड्स। तो इसकी प्रॉपर्टी में टेस्ट की बात की अपन ने, कोरोसिव नेचर की बात की, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस में ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक बात आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में बात आती है रिएक्शन विद बेस, कि जब कभी अपन एसिड की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने किया था कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
कि जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वॉटर। तो देखते हैं किस तरीके से अपन ने लिया HCl और उसके अंदर एक बेस डाल दिया NaOH, तो ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बनेगा, वॉटर बनेगा। यहां से H और OH दोनों मिलके बनाएंगे वॉटर, और सोल्ट अपने पास क्या होगा, H और Na, सॉरी Cl और Na का सोल्ट बनेगा NaCl। तो एसिड प्लस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वॉटर। अगर अपन बात करें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2SO4 लिया और बेस में अपन ने ले लिया KOH, ये दोनों मिलेंगे सोल्ट बनेगा K2SO4 और वॉटर। इसको अपन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अपना पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे H2O के आगे भी अपन क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन जो है इसको अपन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है जिसके अंदर एक एसिड और एक बेस दोनों मॉलिक्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस में वॉटर। जब भी आपके पास कोई एसिड होगा उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये थी हमारे पास पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड्स की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें आता है हमारे पास सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उनका नेचर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो अपन ने क्या लिया है, एक एसिड है एक मेटल ऑक्साइड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड और एसिड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वॉटर। इसको अपन समझेंगे केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। अपन ने एसिड लिया HCl और मेटल ऑक्साइड में सपोज हमने ले लिया CuO कॉपर ऑक्साइड, तो क्या करेगा, दोनों मिलके सोल्ट बनाएंगे। सोल्ट क्या होगा, CuCl2 प्लस H2O। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने लिया H2SO4 और यहां पे आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा अपने पास, CSO4 प्लस H2O। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें याद रखने का ये है कि एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि अगर अपन एसिड की रिएक्शन कराएं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मेटल कार्बोनेट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो या हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस में CO2। अगर अपन ने कार्बोनेट लिया है तो हमारे पास CO2 बनेगी, अगर अपन ने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है तो सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2O, क्योंकि हाइड्रोजन वर्ड यहां पर आ रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से एक एक्स्ट्रा चीज अपने पास प्रोड्यूस होगी। इसको अपन देख सकते हैं, जैसे अपन ने लिया कोई भी एक एसिड सपोज वही HCl और उसकी रिएक्शन करा दी हमने मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट हमारे पास सपोज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, CaCl2 सॉल्ट बन गया यहां पे अपने पास H2 आएगा, CaCl2 बन गया अपने पास कैल्शियम और क्लोरीन का जो सॉल्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम क्लोराइड सॉरी, और अपने पास क्या बनेगा H2O प्लस में CO2। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया H2SO4, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में मान लीजिए आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोल्ट बनेगा सोडियम और सल्फेट का Na2SO4 प्लस में दूसरी चीज जो बनेगी अपने पास CO2 और थर्ड होगा H2O। तो बैलेंस नहीं, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं मैथमेटिकल जो हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी कि जब भी अपन रिएक्शन कराते हैं मेटल के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ, तो हमारे पास तीन चीजें बनती है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास वो आता है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स या अपन इसको रिएक्टिव मेटल्स भी बोल सकते हैं। तो डाइल्यूट एसिड्स हम यहां पे लेंगे, डाइल्यूट एसिड प्लस में एक्टिव या रिएक्टिव मेटल, तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, आप इसको समझ सकते हैं कि आपके पास है HCl और इसकी रिएक्शन करा दी एक्टिव मेटल्स फॉर जिंक के साथ, तो यहां पे बन जाएगा अपने पास ZnCl2 प्लस में डाई हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगी। डाइल्यूट लेना है यहां पे, सपोज अपन ने ले लिया H2SO4 और इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 की कैल्शियम के साथ, तो अपने पास बनेगा CSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज होगी। ये थी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी बच्चों ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो सारी मेटल डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी, वो चार केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास मेन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा। दूसरा आता है रिएक्शन विद बेस के बाद, सेकंड जो पार्ट हमने किया था, फर्स्ट हमने बेस के साथ किया था, सेकंड हमने मेटल के ऑक्साइड के साथ किया था, थर्ड हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया था, और फोर्थ हमने मेटल के रिएक्टिव मेटल्स के साथ किया। तो ये चार केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इन चारों केमिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे, इनके नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू।